आप देख रहे हैं सीरियल से आपात। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते के आने वाले एपिसोड की। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि महिमा यहाँ पर अग्री हो जाती है काशवी की हेल्प करने के लिए और नित्या को एक्सपोज करने के लिए। काशवी कहती है कि हमें सबसे पहले नित्या आंटी का कन्फेशन सबके सामने लाना होगा। मीरा सजेस्ट करती है कि हम एक बेबी शावर सेरेमनी रख सकते हैं। वो कहती है कि महिमा तुम रेडी हो। थोड़े टाइम के बाद मीरा अर्जुन से कहती है कि मुझे ना अपनी बच्चे की गोद भराई रस्म चाहिए। नित्या कहती है हम कर सकते हैं अगर वो चाहती है उसकी खुशी के लिए। जगदीश भी मान जाते हैं। अर्जुन कहता है कि ठीक है हम कल करते हैं। जगदीश कहेंगे कि हमें सबको इनवाइट भी तो करना होगा। नित्या सोचती है कि अब ये तो बेस्ट चांस है मीरा के बच्चे को मारने का। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर नित्या पंडित जी से कहती है कि वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं जाती हूँ पंडित से मिलने। बाद में नित्या जाती है अगरबत्ती की शॉप पर और कुछ अगरबत्ती खरीदती है। शॉप ओनर कहता है कि इसकी जो स्मेल है ना वो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत अफेक्ट करती है। दूसरी तरफ रोमिला दादी से कहती है कि क्या हुआ तुम इतनी ज़्यादा टेंस्ड क्यों लग रही हो। दादी कहती है रोमिला से कि मुझे महिमा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। महिमा किसी भी वक्त पीछे हट सकती है अपने आप को बचाने के लिए। रोमिला कहती है दादी से कि ऐसा नहीं होगा। वो मीरा को कॉल करती है और पूछती है सब कुछ ठीक है। मीरा कहती है रोमिला से कि हाँ सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। नित्या पूजा की प्लेट पंडित जी को देती है। काशवी की फैमिली एंटर करती है बाजवा हाउस में। नित्या गुस्सा हो जाती है उन्हें देखकर। वो कहती है तुम लोगों को किसने इन्वाइट किया। जगदीश कहते हैं कि मैंने इन्वाइट किया। नीरा का जो बेबी है वो शावर सेरेमनी को इन्जॉय करे इसलिए मैंने सबको बुलाया है। पंडित जी आरती करते हैं मीरा की। नित्या अगरबत्ती देखती है और स्माइल करती है। वो सोचती है कि क्या मीरा को कुछ हो क्यों नहीं रहा। वो इरिटेट हो जाती है और अंदर जाती है। वो कॉल करती है शॉप ओनर को और कहती है कि तुम्हारी अगरबत्ती कोई काम नहीं कर रही। वो कहता है कि मैंने आपको सही अगरबत्ती ही दी है। कॉल डिस्कनेक्ट करता है। वो सोचती है कि आखिर मीरा को कुछ हो क्यों नहीं रहा। अर्जुन वहाँ आता है अगरबत्ती दिखाता है। वो कहता है आखिर आप कैसे मीरा और उसके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं। नित्या कहती है कि ये सच नहीं है। वो कहता है मेरे पास प्रूफ है। वो वीडियो प्ले करता है नित्या की अगरबत्ती खरीदते हुए। वो कहता है कि आखिर आपने ये सब क्यों किया। वो पूछती है कि तुम्हें ये वीडियो किसने दिया। काशवी वहाँ आती है। वो कहती है मैंने दिया ये वीडियो अर्जुन को। वो रिकॉल करती है कि कैसे उसने रिकॉर्ड किया था शॉप ओनर और नित्या की बातें। वो रिकॉल करती है कि कैसे वो नॉर्मल अगरबत्ती एक्सचेंज करने गई थी उसके शॉप पर। नित्या अर्जुन से कहती है कि काशवी झूठ बोल रही है। काशवी कहती है अर्जुन से कि मैंने खुद इनको देखा था मीरा की खीर में कुछ पाउडर मिक्स करते हुए। वो कहती है कि मैं कभी भी मीरा या उसके बच्चे को हार्म करना क्यों चाहूँगी। वो कहती है कि ठीक है हाँ काशवी सही कह रही है मैंने ही हायर किया था कैलाश को मीरा को मारने के लिए। जगदीश कहते हैं नित्या से कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। नित्या कहती है क्योंकि मीरा हमारे अर्जुन नहीं बल्कि मोहन के बच्चे की माँ है। तभी वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया। काशवी कहती है आपको कैसे पता चला। रोमिला कहती है जगदीश ने यहाँ पर हेल्प किया था ना हमें एक्सपोज करने के लिए। अर्जुन और नित्या कहती है कि आप आखिर कैसे इतना नीचे गिर सकते हैं। नित्या यहाँ पर कहती है कि मैं काशवी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और आप लोग भी मत कीजिए। महिमा कहती है नित्या से कि आप झूठ मत बोलिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल क्या होगा देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए।